सो थर्टी डेज टू गो फॉर फिल्म एंड अलॉट ऑफ पीपल हैव डाउट्स कि कितने टेस्ट हमें इसमें देने चाहिए क्या सेक्शन हमें रिवाइज़ करना चाहिए किस तरीके से हमें अपना टाइम प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए सो एज टू क्लेयर फिल्म बिकॉज इन देंड दैट इज़ वॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू राइट सो टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द डूज एंड डोंट्स दट यू नीड टू फॉलो इन द लास्ट थर्टी डेज बिफोर फिल्म एंड फॉर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई कितने टेस्ट आपको देने चाहिए एंड किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं टू स्टार्ट एट ऑफ प्लीज कीप इन माइंड दैट मोमेंटम एब्सोल्यूटली मैटर्स इन दीज लास्ट थर्टी डेज प्लीज डो नॉट गो आफ्टर एनी न्यू सोर्सेज जो किताबें आप अब तक कर रहे थे उन्हीं को रिपीट कीजिए बार बार इफ रिक्वायर्ड टेस्ट ज़्यादा दीजिए बट डोंट चेज आफ्टर न्यू रिसोर्सेज क्योंकि इस मोमेंट पे एक वो बहुत नीड आती है हमें कि यू नो ओ ओ माई गॉड दैट पी डी एफ फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट इज

You are not even feeling like studying. So keep your momentum going. Do the same books again and again. Don't run after new resources. Mock tests. Now, if you haven't started giving mock tests till now, this is high time. You should be giving mock tests a lot now, every alternate day, every third day at least. The people who ask, many mock tests. So there is a minimum number that you should definitely give. At least one section test each.

अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज एक्सरसाइज तो यू कैन चेक आउट कोर्सेस डॉट यू पी एस सी प्रेप डॉट कॉम वहाँ पे पी वाई क्यू को हमने ऑलरेडी ईयर वाइज अरेंज करके आपके लिए रखा हुआ है इट्स अ यू नो फ्री कोर्सेज में आपको वो मिल जाएगा बट आई विल स्टिल रेकमेंड दैट यू गिव ओवरऑल ट्वेंटी टू थर्टी के आसपास टेस्ट ट्वेंटी टू थर्टी जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो तो इसमें काफ़ी हद तक आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई कहां हम गलती कर रहे हैं एंड किस तरीके से उसे सुधारना है सो ऑन दिस नोट आई विल ऑल्सो बी ऑन हाउ यू कैन एनालाइज योर टेस्ट विद एग्जाम्पल्स फॉर कि भी किस तरीके की कि मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है किस तरीके से हमें एनालाइज करना है सो ट्वेंटी टू थर्टी टेस्ट अगर आप देते हो इन द नेक्स्ट मंथ विच विल मीन लाइक यू नो वन टेस्ट एवरी डे और मे बी समटाइम्स ऑल्टरनेट डे तो यू विल बी इन गुड स्टेड बट इफ मोर आर नीडेड यू कैन गिव मोर दिन में दो टेस्ट दे के भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो क्योंकि यहां पे दीज टेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडिंग योर टेस्ट फॉर सी सैट प्लीज डो नॉट फोगेट सी सैट कमिंग टू रिविजन तो रिविजन ऑल्सो नीड्स टू बी प्लैंड आउट प्रॉपरली कि आपको पूरी पूरी किताब अब दोबारा नहीं पढ़नी है आपने जो फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में रीडिंग में अंडरलाइन करी थी चीजें उनके थ्रू आप जाओ बट द बिगर आइडिया इज दैट द रिविजन शुड बी बेस्ड ऑन टेस्ट कि टेस्ट में आपने कुछ गलतियां करी हैं उसके हिसाब से जो सेक्शन ऑफ़ द बुक आपको पता चल रहा है कि भाई अच्छा इस एरिया से मुझे बार बार दिक्कत आ रही है कि लेट्स से इन्फ्लेशन का एक बहुत सिंपल सवाल आई विल आस्क एवरीबडी विच आई कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन इज़ लेट्स से दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो टुडे इज़ रुपीज़ थर्टी पर किलो एंड लेट्स से द प्राइस ऑफ पोटैटो टेन डेज लेटर और यू नो द एट्थ ऑफ मे इज़ फोर्टी रुपीज़ पर किलो हैज इन्फ्लेशन अकर्ड येस और नो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स क्योंकि अगर आपने yes बोला है या आपने नो no बोला है आप अपने कारण दे के समझाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है एंड उसके बेसिस पे जब ऐसी मिस्टेक्स आप कर रहे हो क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे नहीं हुआ है इन्फ्लेशन हैपन्स विद रिस्पेक्ट टू अ बेसियर इन्फ्लेशन हैपन्स विद रिस्पेक्ट टू अ बास्केट ऑफ गुड्स राइट तो जब आप ये माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहा है एंड टेस्ट विल टेल यू कि भाई कॉन्सेप्ट कौन से वीक हैं तो कॉन्सेप्चुअल एरर जहाँ जहाँ आपके हो रहे हैं उन कॉन्सेप्चुअल एरर्स को आपको प्रायोरिटी पे रिव्यू करना है प्रॉब्लम एरियाज को आपको रिवाइज करना है उन्हें बार बार जाके पढ़ो पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस आइडिया कि यू नो आई हैव टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चंस नो यू डोंट आपको बिना बात के रिस्क नहीं लेना है बिकॉज इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग तो नेगेटिव मार्किंग मींस कि आप जब रिस्क ले रहे हो बिना बात का कि मतलब लप्पे घुमा रहे हो तो मतलब आउट होने का चांस ज्यादा है रैंडम गेसिंग इज नॉट द रिस्क वर्थ टेकिंग बट इफ यू कैन एलिमिनेट समाउ आई अंडरस्टैंड की सम बडी विल कमेंट्स है कि ओमाई गॉड एलिमिनेशन तो अब होता ही नहीं है यू नो वन पेयर करेक्ट टू पेयर करेक्ट ऐसे ऑप्शन आते हैं इवन देन आईव शोन इन माई फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी टू का अनालिसिस वाला वीडियो की एलिमिनेशन कुछ हद तक अभी भी हो जाता है सो so, द क्वेश्चन दैट यू कैन एलिमिनेट दैट इज वेर यू वॉन्ट टू टेक द रिस्क बिना बात का रिस्क नहीं लेना देर इज नो प्रेसर फॉर यू टू अटेम्प्टी क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि नब्बे क्वेश्चन करने हैं आपको और अगर ये आपकी क्वेरी है दैट यू नॉट यू गेटिंग लॉट ऑफ द फिफ्टी फिफ्टी वाला क्वेश्चन रॉन्ग सो दिस इज अ टेस्ट दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दट आई वॉन्ट यू टू डू एक्सपेरिमेंट दट इन द नेक्स्ट टेस्ट यू गिव काउंट काउंट थ्री थिंग्स वन फिफ्टी फिफ्टी कितने क्वेश्चन करे थे आपने फिफ्टी फिफ्टी वाले कितने सही हुए फिफ्टी फिफ्टी वाले कितने गलत हुए काउंट ऑल थ्री थिंग्स एंड यू विल जनरली फाइंड कि अगर आपने दस क्वेश्चन फिफ्टी फिफ्टी वाले करे हैं तो उसमें से चार या पांच सही होंगे और बाकी गलत होंगे एंड दैट इज़ वॉट इट मीन्स बाई फिफ्टी 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 का मतलब ये नहीं है कि वो सारे सही हो जाएंगे हम यहाँ पर रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ ये क्वेश्चन हम नहीं करते

नाउ राउंड वन में डू ओनली दी इजी क्वेश्चन जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हैं इन एनी पेपर अगर आपने ठीक से तैयारी करी है मैं मैं नहीं कह रहा कि आप टॉपर लेवल तैयारी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं अगर आपने ठीक ठाक तैयारी भी करी है तो इन एनी पेपर एनी हंड्रेड क्वेश्चंस यू विल नो एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सौ में से बीस से पच्चीस सवाल तो ऐसे होंगे ही नो मैटर द टेस्ट नो मैटर द टेस्ट सीरीज बी एवर बीस से पच्चीस सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते हैं राइट इफ यू फील कि दैट इज नॉट द केस प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड लाइक यू नो वी विल फिगर समथिंग आउट बट दीज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आर दी ओनली क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू डू इन द फर्स्ट राउंड सो दैट मीन्स कि वी वॉन्ट टू गो थ्रू दी एंटायर पेपर मैं नहीं बोल रहा कि ये पहले 25 सवाल होंगे वो सारे ही आसान आएंगे इट कुड बी कि भाई क्वेश्चन वन देन क्वेश्चन थर्टी सेवन दैन क्वेश्चन सिक्सटी फाइव इस तरीके से हैं लास्ट के 15 क्वेश्चन सारे आसान थे बट आप पहुंचे ही नहीं वहां तक उससे पहले ही आप हताश हो गए तो फिर वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ इट सो इन द फर्स्ट राउंड इट इज योर जॉब टू फाइंड ऑल ऑफ द इजी क्वेश्चन ताकि मोमेंटम बने एंड दिस बिकम्स अ वेरी गुड टेस्ट कि अगर पहले राउंड में

फिफ्टी uh, फिफ्टी एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए हो तो उन क्वेश्चंस पे हमें सेकंड राउंड में चांस लेना है फर्स्ट राउंड में जब हम पेपर पलट रहे हैं पूरा आसान क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को गोला मार के रख लो कि भैया इन पे वापस आएंगे एंड द थर्ड राउंड इज कि भाई आपके पास टाइम बच गया है आई एम नॉट सेइंग थर्ड राउंड करना है सबको जरूरी है नहीं थर्ड राउंड इज़ कि मेरे पास टाइम बच गया है पाँच मिनट दस मिनट वट टाइम इज़ लेफ्ट एंड अब खाली बैठने के बजाय पेपर पलट लिया जाए पेपर पलट लिया जाए कुछ नई चीज याद आ सकती है एंड इन सच केस वट आई कैन डू इज थोड़ा बहुत तुक्केबाजी थोड़ा बहुत यू नो बार्गेनिंग विद द सेल्फ दैट कैन बी डन बट इन द एंड टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग दैट इज क्रूशल जो आपका फर्स्ट राउंड है एनी वेयर फ्रॉम सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव मिनट्स में हो जाना चाहिए लेस अगर आपने कम क्वेश्चन करे हैं उसमें सेकेंड राउंड शुड टेक अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स एंड थर्ड राउंड अगर टाइम बचता है तो पाँच से दस मिनट उससे ज्यादा नहीं इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे पेपर में तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम नहीं करती है तो ऑल लेवल से इस ट्राई इट आउट इन द नेक्स्ट टेस्ट एंड सी इफ इट वर्क इफ इट डज कंटिन्यू डूइंग वॉट यू ऑर डूइंग बट इफ इट वर्क्स इट इज योर जॉब टू ट्राई इट आउट एंड सी इफ इट कैन बी हेल्पफुल नाउ द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग विद फिल्म इज अनसर्टनिटी विच इज नॉट गोइंग टू चेंज तो अगर आप इस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं कि अरे इस साल अगर यूपीएससी ने यू नो वन ऑप्शन करेक्ट टू ऑप्शन ओनली थ्री ऑप्शन थ्री पेयर करेक्ट फोर पेयर करेक्ट उस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा दे दिए तो क्या होगा कुछ नहीं होगा मतलब सबके लिए ज्यादा हो जाएंगे वो दैट्स इट एंड अगर यूपीएससी ने कोई नए टाइप का सवाल पूछ लिया तो क्या होगा सबके लिए नया होगा वो गेट यूज टू द आइडिया कि थिंग्स कैन चेंज एंड देर विल बी नो इंडिकेशन नो बडी विल हैव अ क्लू एंड दैट इज द आइडिया कि आप आई ए एस ऑफिसर बनने के लिए पेपर दे रहे हो आई ए एस ऑफिसर को बता के दुनिया में बदलाव नहीं आते हैं थिंग्स चेंज एंड आई ए एस ऑफिसर आर द पीपल हु आर देन अडेप्टिंग टू दोज चेंजेस तो दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट इन अडेप्टेशन दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट इन अडेप्टेशन कि पेपर में बदलाव आ गया है विल यू अडेप्ट और विल यू सिंक सो गेट यूज टू इट यूपीएससी इन द एंड मालिक है इस डिबेट पे हम नहीं जाएंगे कि भाई यूपीएससी अनफेयर है क्वेश्चन ऐसा आता है वैसा आता है यूपीएससी को ऐसे पेपर बनाना चाहिए वैसे बनाना चाहिए यूपीएससी का काम था पेपर बनाना उन्होंने बना दिया कोई सवाल नहीं है इस पर इफ यू वॉन्ट टू क्लियर इट देन गेट यूज टू इट एंड रीड द क्वेश्चन स्लोली समटाइम्स आई एम श्योर यू सीन दिस इन योर टेस्ट ऑल्सो कि आता था क्वेश्चन बट हड़बड़ी में कि जल्दबाजी में मतलब करेक्ट का इनकरेक्ट मार्क कर दिया या स्टेटमेंट को पूरा ठीक से समझा ही नहीं आता था तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है क्योंकि अनसर्टनिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है उसमें स्टूपट मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें राइट सो रीड द क्वेश्चन स्लोली इवन इफ यू डोंट नो और यू थिंक भैया ये तो कति बेकार सवाल है पढ़ लो एक बारी पढ़ के कभी कभार दिमाग की बत्ती जल जाती है मेंटोस खा के जाओगे तो फायदा हो सकता है सो so, कभी कभार वो दिमाग की बत्ती जल के एक्स्ट्रा दो नंबर मिल जाते हैं तो जस्ट रीड द क्वेश्चन डोंट डिसरिगार्ड और जस्ट लाइक लेट इट गो रैंडमली ठीक है

तो इट विल बी मैसिवली बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि देखो पेपर के बीच में स्ट्रेस होगा पेपर के बीच में थकावट होगी पेपर के बीच में ऑल ऑफ दोज इश्यूज विच यू आर यू नो सॉर्ट ऑफ इग्नोरिंग मतलब सम ऑफ यू माइट बी स्टडिंग इन ए सी लाइब्रेरी सम ऑफ यू माइट बी स्टडिंग एट होम विद लाइक वेरी कंफर्टेबल कंडीशंस एग्जाम हॉल में नहीं हुई तो क्या करोगे सो दिस इज़ वेयर यू नो दिस प्रेपरेशन हेल्प्स कि ई वॉन्ट टू बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रोंग इना कुछ भी आए मुझे नहीं फर्क पड़ता आई विल डील विद इट राइट सो एंड फाइनलीफ इट्स योर फर्स्ट अटैम्प्टो प्लीज की सबकी बराबर फटती है नो मैटर इफ इट्स लाइक समबडी यूज गिविंग द फर्स्ट अटैम्प्ट और समीज क्लियर बिफोर स्पेशली इफ समीज क्लियर बिफोर क्योंकि उनका एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है कि अरे तुम तो पेपर क्लियर कर लेते फिल्म में फेल हो गए

एक महीने में काफ़ी कुछ किया जा सकता है सो प्लीज़ डोंट गिव अप फेथ एंड गिव अप होप एट दिस मोमेंट कि भाई अरे अभी 80 90 आ रहे हैं कैसे होगा क्या होगा अभी 50 60 आ रहे हैं तो मतलब बहुत ही ज़ोर से डंडा मारने की ज़रूरत है अपने आप को बट इफ यूर ऑन एटी नाइन्टी तो देन कीप डूइंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड विद दैट विल एंड टू डेज वीडियो बेस्ट ऑफ लक एंड इफ यू गॉट एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन्स प्लीज पुट दम इन द कॉमेंट्स बिलो एंड will reach out to you.